हेलो एवरीवन, मैं शुभम जैन स्वागत करता हूं आपका आरवी चैनल में। और हमारे चल रहे हैं वोकैबुलरी के सेशंस, जिसमें ऑलरेडी दो पार्ट आ चुके हैं वर्ड पावर मेडिजी बुक के। फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था हाउ टू टॉक अबाउट डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स, जिसमें सेशन 1, 2, 3 हमने पूरे कंप्लीट कर लिए थे। लगभग 60 से 70 वर्ड हमने उस सेशन में सीखे थे। उसके बाद सेकेंड पार्ट आया था, जिसमें हमने जाना था डॉक्टर्स के बारे में, उसमें भी लगभग 70-80 वर्ड हमने याद किए थे। और आज हम करने वाले हैं पार्ट 3, जिसमें हम बात करेंगे वेरियस प्रैक्टिशनर्स के बारे में। वर्ड पावर मेडिजी बुक के सेशन 7 से 10 हम आज यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। जो वर्ड पावर मेडिजी बुक में वर्ड्स रखे हैं वो तो हम साथ साथ पढ़ते ही हैं, उससे रिलेटेड जो वर्ड्स बन सकते हैं वो भी हम साथ के साथ देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपके वर्ड पावर मेडिजी बुक में एक सेशन में अगर 10 वर्ड दे रखे हैं, तो हम यहाँ पे 20 से ज़्यादा वर्ड उस सेशन से सीखते हैं। क्लियर है ये चीज़? तो देखते हैं हमने कौन कौन से वर्ड डिस्कस किए थे पार्ट 1 में। पार्ट 1 में हमने लगभग ये 60 वर्ड डिस्कस किए थे, पार्ट 2 में हमने लगभग ये 70 वर्ड डिस्कस किए थे, और साथ ही साथ बहुत सारे हमने रूट वर्ड्स भी देखे थे। और आज हम करने वाले हैं पार्ट 3, जिसमें लगभग हम ये सारे वर्ड्स देखने वाले हैं। लगभग 68 वर्ड्स आज के सेशन में हम समझेंगे, बिल्कुल डीप में समझेंगे, और सभी वर्ड्स को साथ के साथ याद भी कर लेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और नोट करते रहिए, जो जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आप साथ साथ नोट करते रहिए। PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, फिर भी मैं चाहूँगा कि अपनी कॉपी बना के आप उनमें सारी चीज़ों को लिखें और उनसे रिवाइज करें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रैक्टिशनर्स के बारे में। किन किन प्रैक्टिशनर्स के बारे में हम जनरली आज बात करने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे साइकोलॉजिस्ट के बारे में, उसके बाद हम साइको एनालिस्ट के बारे में जानेंगे, उसके बाद जो हमारा थर्ड प्रैक्टिशनर होगा वो होगा ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट के बारे में मैंने पार्ट 2 में भी आपको बताया था, आज के पार्ट में कुछ और चीज़ें जानेंगे ऑर्थोडोंटिस्ट के बारे में और सिमिलर वर्ड्स देख लेंगे। ऑप्टोमेट्रिस्ट के बारे में मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको पार्ट 2 में समझाया था। ऑप्टिशियन के बारे में भी पार्ट 2 में मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया था। तो इन दोनों प्रैक्टिशनर्स को हम यहाँ पे नहीं समझेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम ऑस्टियोपैथ के बारे में जानेंगे, चिरोप्रैक्टर के बारे में जानेंगे, चिरोपोडिस्ट के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम ग्रेफोलॉजिस्ट के बारे में जानेंगे, और लास्ट में हम जेरेंटोलॉजिस्ट के बारे में जानेंगे। इन सभी प्रैक्टिशनर्स के बारे में जानेंगे, उनसे रिलेटेड जो जो वर्ड्स बनते हैं जिनमें सेम रूट वर्ड्स हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट के बारे में। साइकोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है जो आपके बिहेवियर को एनालाइज करता है, आपके बिहेवियर को एनालाइज करके ये पता करता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर वे में बिहेव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। ह्यूमन बिहेवियर की बहुत सारी मिस्ट्रीज को वो सॉल्व करता है। जो जो बड़ी कंपनीज होती हैं उन्हें इस तरह के पर्सन की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि उन्हें अपने वर्कर्स का सेटिस्फैक्शन देखना होता है, उन्हें चेक करना होता है टाइम टू टाइम कि वर्कर्स उनके सेटिस्फाइड हैं या नहीं, उन्हें किसी तरह की दिक्कत तो नहीं आ रही। और साइकोलॉजिस्ट का ये भी काम रहता है कि जो वर्कर्स की परफॉर्मेंस है उन्हें किस तरह से इंक्रीज किया जाए। साइकोलॉजिस्ट को इसलिए भी हायर किया जाता है ताकि वो तरीके बता सकें जिससे कि वर्कर्स अपना 100% दे सकें काम में, और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे सकें कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा करा सकें। तो साइकोलॉजिस्ट का बहुत ज़्यादा रोल रहता है बड़ी कंपनीज में। आपने देखा होगा कंपनीज बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट को टाइम टू टाइम हायर करती रहती है, मोटिवेशनल सेशंस होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो उनके वर्कर्स होते हैं उनकी थिंकिंग को जानने की कोशिश की जाती है कि उन्हें किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं और किस तरह से वो ज़्यादा आउटपुट दे सकें। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट वर्ड आया कहाँ से, इसके रूट वर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है यहाँ पे साइक। साइक का मतलब क्या होता है? माइंड, स्पिरिट या फिर सोल, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसी तरह लॉजी वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है? साइंस या फिर स्टडी। इन दोनों वर्ड को अगर मिला दिया जाए तो आपके पास क्या बन जाता है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ माइंड इज साइकोलॉजी। दिमाग को पढ़ने की विज्ञान को हम कहेंगे कि साइकोलॉजी, और जो इस चीज में एक्सपर्ट हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे साइकोलॉजिस्ट। समवन हु इज एक्सपर्ट इन साइकोलॉजी इज साइकोलॉजिस्ट। क्लियर चीज, साइकोलॉजी वर्ड याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं साइको एनालिस्ट पे। साइको एनालिस्ट वर्ड की अगर हम बात करें, यहाँ पे दो वर्डों से मिलके ये बना है। पहला वर्ड है आपका साइक और दूसरा है एनालिसिस। दिमाग की एनालिसिस जो करे उसे कहेंगे हम साइको एनालिस्ट। आपने देखा होगा कई बार आपके बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसका इम्पैक्ट आपकी पूरी लाइफ में रहता है। जैसे कि आप, मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। आपने कभी बचपन में किसी को डूबते हुए मरता हुआ देख लिया तो हो सकता है आपके माइंड में एक ऐसा डर बैठ जाए जिससे आप पानी से डरने लगो, आप किसी भी स्विमिंग पूल में ना जाओ या फिर बीच पे ना जाओ, इस तरह की इश्यूज आपके साथ आ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ती है लाइफ लॉन्ग। तो आप किसके पास जाते हो? आप साइको एनालिस्ट के पास जाते हो, वो आपसे बातें करता है, वो आपके दिमाग में झांकने की कोशिश करता है, वो ये चेक करने की कोशिश करेगा कि आपको जो इश्यूज आ रहे हैं करंटली, जो आपको फोबिया है वो किस वजह से है, या फिर अगर आप किसी परेशानी से जूझ रहे हो, अगर आपको डिप्रेशन है तो वो किस वजह से है। तो अगर आपका रीजन पता चल जाता है कि किस वजह से आप जो काम कर रहे हो, जो परेशानी झेल रहे हो वो किस वजह से है, तो उसे ट्रीट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है।
अगर आपको किसी बीमारी की जड़ मिल जाए, अगर जड़ को ही हटा दिया जाए तो वो बीमारी अपने आप खत्म हो जाती है। यही काम होता है साइको एनालिस्ट का, वो आपके माइंड में जागता है, आपकी परेशानियों के बारे में जानेगा, आपके फियर्स के बारे में जानेगा, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में जानेगा, और उसके बाद आपको थेरेपी देगा कि किस तरह से आप इन चीजों से बच सकते हो, किस तरह से अपने डर से आप आगे निकल सकते हो, किस तरह से अपने वरीज को आप छोड़ सकते हो। ठीक है, ये काम होता है साइको एनालिस्ट का। और अगर हम स्टडी की बात करें तो स्टडी होती है साइको एनालॉजी, जो एक्सपर्ट होता है साइको एनालॉजी में उसे हम कहेंगे साइको एनालिस्ट। ठीक है, साइको एनालिस्ट आपका फिजिशियन हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, या फिर साइकेट्रिस्ट भी हो सकता है। ठीक है, दिस स्पेशलिस्ट ट्रेट्स एंड इंटरप्रेट्स द मीनिंग ऑफ फ्री फ्लोइंग आइडियाज, जो आपके माइंड में आइडियाज चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं, किस क्या कारण है, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये काम कौन चेक करता है, ये साइको एनालिस्ट चेक करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड सेम रूट वर्ड से बने हुए हैं, साइक से बने हुए हैं। सबसे पहला वर्ड आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहला वर्ड है साइकोजेनिक। साइकोजेनिक दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला वर्ड है आपका साइक जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दूसरा वर्ड आपको यहाँ पे दिखेगा जेनेसिस। साइक का मतलब होता है माइंड, बोर्ड माइंड या फिर सोल, और जेनेसिस की अगर हम बात करें इसका मतलब होता है ओरिजिन, शुरुआत। तो साइकोजेनिक क्या होगा, साइकोजेनिक डिसऑर्डर हम कहें या साइकोजेनिक प्रॉब्लम कोई भी अगर हम करते हैं, उसका मतलब ये होता है वो प्रॉब्लम जो कि आपके माइंड में ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, जो आपके माइंड में है सिर्फ उसे हम कहेंगे साइकोजेनिक, आपके माइंड से जिसका ओरिजिन हुआ है। साइकोजेनिक को डीप में समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे साइकोसोमैटिक की, कि साइकोसोमैटिक क्या होता है। साइकोसोमैटिक दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला तो वर्ड आपका साइक ही है और दूसरा वर्ड है आपका सोमा। साइक मतलब क्या होता है, साइक मतलब माइंड और सोमा मतलब बॉडी, माइंड का बॉडी के ऊपर इन्फ्लुएंस। कई बार आपने देखा होगा आप एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम देने से पहले दिन आपके बुखार हो गया। अब आप मुझे ये छोटी सी चीज बताओ, क्या सच में बुखार के बैक्टीरिया या वायरस आपके अंदर घुस गए, या फिर आपके दिमाग से ही आपको बुखार हो गया, आपके जो साथ में जो बच्चा बैठा है उसे बुखार नहीं हुआ लेकिन आपको बुखार हो गया। इसके पीछे छोटा सा रीजन ये होता है कि आपके माइंड में ये बैठ गया है कि अगर कल मेरा एग्जाम है तो मुझे डरना चाहिए और मेरे अंदर बुखार वाले इन्फेक्शन आने चाहिए, मुझे बुखार हो जाना चाहिए या फिर मुझे बुखार हो जाएगा, इस तरह की चीजें आपके दिमाग में चलेंगी। तो आप अपने आप को ससेप्टिबल बना लोगे, जो एटमोसफेयर में इन्फेक्शन है, जो बुखार के इन्फेक्शन है, आप अपने आप को उसके ससेप्टिबल बना लोगे और वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी में अगर बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में भी जाएंगे तो आपको बुखार हो जाएगा। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जब वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जाते हैं तो आपको बुखार नहीं होता, लेकिन जब आपकी मनोस्थिति कुछ ऐसी होगी कि हाँ मैं बीमार पड़ूंगा, तो वास्तविकता में जब कोई छोटे से भी बहुत कम अमाउंट में भी इस तरह के बैक्टीरिया आपके बॉडी में चले जाएंगे तो आपकी बॉडी ससेप्टिबल हो जाएगी बुखार को अपनाने के लिए और आपको सच में बुखार हो जाएगा। कई बार एंग्जाइटी इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं, उसका कारण भी आपके माइंड में होता है, आपकी बॉडी में नहीं होता, एटमोसफेयर में नहीं होता, मेन रीजन आपके माइंड में होता है। इस तरह की बीमारियां आपके माइंड से जनरेट होती हैं। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर और इसे ही हम कहेंगे साइकोजेनिक। क्यों? क्योंकि इसका ओरिजिन कहां पे हो रहा है, माइंड पे। माइंड से ओरिजिन हुआ तो साइकोजेनिक हो गया, और इसका इफेक्ट अगर आपकी बॉडी पे दिख गया, इसका इन्फ्लुएंस आपकी बॉडी पे हो गया तो वो हो गया साइकोसोमेटिक, और इस डिसऑर्डर को क्या कहेंगे, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। क्लियर है ये चीज? अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा था साइकेट्रिस्ट के बारे में, साइको एनालिस्ट के बारे में, साइकोलॉजिस्ट के बारे में। जो थेरेपी आपको मिलती है अगर आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम हो रही है, इमोशनल डिस्टरबेंस है आपके माइंड में, या फिर मेंटल डिस्टरबेंस की अगर मैं बात करूं, या कोई भी चीज आपके दिमाग में बैठ गई है जो आपको परेशान कर रही है, उसके लिए आपको क्या दी जाएगी, साइकोथेरेपी दी जाएगी। सेशंस होते हैं, बहुत तरह की टेक्निक्स होती हैं साइकोथेरेपी में जो यूज की जाती हैं, बहुत ज्यादा सेशंस होते हैं। कुछ सेशंस आपके एक या दो हफ्ते में कंप्लीट हो जाते हैं, कुछ सेशंस ऐसे होते हैं जो आपके सालों भर तक चलते हैं, तो साइकोथेरेपी से हम कहेंगे। ठीक है, आपके साइक को हील करने की थेरेपी जो होती है उसे हम कहते हैं साइकोथेरेपी। जो आपको साइकोथेरेपी देता है वो होता है साइकोथेरेपिस्ट, और इसकी एडजेक्टिव फॉर्म की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साइकोथेरेप्यूटिक। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रैक्टिशनर जो है वो है ऑर्थोडोंटिस्ट। ओडोंटोस मैंने आपको बताया था, ओडोंटोस का मतलब क्या होता है, टीथ, और ऑर्थोस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट। तो ऑर्थोडोंटिस्ट क्या हो जाएगा, ऑर्थोडोंटिस्ट वो पर्सन हो जाएगा, वो डेंटिस्ट हो जाएगा जो कि स्पेशलाइज्ड है इन स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ। एक डेंटिस्ट एक बहुत बड़ी फील्ड है, डेंटिस्ट दांत से रिलेटेड सभी कामों को करता है। दांत से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो गया उसे कौन टैकल करेगा, उसे डेंटिस्ट देखेगा। लेकिन जो प्रैक्टिशनर स्पेशलिस्ट होगा दांतों को सीधा करने में, स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ में, उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्थोडेंटिस्ट। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ब्रेसेस लगाए गए हैं, दांत अगर आपके आगे पीछे हैं, ब्रेसेस लगा के उन्हें स्ट्रेट कर दिया जाता है, ये करता कौन है, ये ऑर्थोडेंटिस्ट करता है।
ठीक है, आपके पहले ऐसे दांत थे उसके बाद ऐसे हो गए, दिस इज द वर्क ऑफ ऑर्थोडेंटिस्ट। रिलेटेड वर्ड्स के बारे में बात करते हैं, रिलेटेड वर्ड्स कौन कौन से हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था ऑर्थोडोंटिस्ट, इसी तरह एक प्रैक्टिशनर होता है पेरियोडोंटिस्ट। इसमें आप देखोगे इसमें एक और रूट वर्ड आपको मिलेगा पेरी। पेरी का मतलब क्या होता है? पेरी का मतलब होता है सराउंडिंग। पेरी का मतलब होता है सराउंडिंग आपके चारों ओर। जैसे कि आपने अगर ज्योमेट्री में पढ़ा हो पेरीमीटर होता है, जैसे कि अगर आपके पास एक स्क्वायर फिगर है, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर जो ये लास्ट जो इसकी बाउंड्री होती है, बाउंड्री की मेजरमेंट जो होती है उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। जैसे कि अगर आपके पास यहाँ पे रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका? 2l + b। तो जो बाउंड्री को अगर हम सबको ऐड कर दें, बाउंड्री की लेंथ अगर हमसे पूछ ली जाए तो वो क्या हो जाएगा? उसका पेरीमीटर। तो पेरी का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग, चारों तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्पेशलिस्ट है वो है पेरियोडोंटिस्ट। पेरियोडोंटिस्ट पेरियोडोंटिस्ट वो स्पेशलिस्ट हो जाएगा जो दांतों के आसपास का रीजन है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे गम्स, गम्स में अगर दांतों की कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसे कौन ट्रीट करेगा? पेरियोडोंटिस्ट, वो स्पेशलिस्ट होगा। यहाँ पे स्पेशलिटी को क्या कहेंगे? पेरियोडोंटिक्स। समवन हु इज एन एक्सपर्ट इन पेरियोडोंटिक्स वो होगा पेरियोडोंटिस्ट। और इसी तरह एडजेक्टिव की बात करें तो वो हो जाएगा पेरियोडोंटिक। इसी तरह आपका एक वर्ड बना एंडोडोंटिस्ट। एंडो का मतलब क्या होता है? एंडो का मतलब होता है अंदर की साइड, इनर, ठीक है। इसी तरह होता है एक्सोडोंटिस्ट। एक्सो का मतलब क्या हो गया? एक्स रूट वर्ड का मतलब हो गया आउट। एंडो का मतलब बेसिकली क्या होता है? इन। तो एंडोडोंटिस्ट कौन हो गया? जो दांत के अंदरूनी हिस्से का स्पेशलिस्ट है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे दांत के अंदरूनी हिस्से हैं, इसे हम कहेंगे पल्प होता है ये हिस्सा। जो पल्प की डिसीजेज को ट्रीट करेगा वो हो जाएगा आपका एंडोडोंटिस्ट। स्पेशलिटी क्या हो जाएगी? एंडोडोंटिक्स। समवन हु इज एन एक्सपर्ट इन एंडोडोंटिक्स वो हो जाएगा आपका एंडोडोंटिस्ट। और एडजेक्टिव वर्ड क्या हो जाएगा? एंडोडोंटिक्स। इसी तरह एक्सोडोंटिस्ट की अगर हम बात करें, एक्सोडोंटिस्ट वो स्पेशलिस्ट होता है, वो डेंटिस्ट होता है जो कि स्पेशलाइज्ड होता है इन एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ। जो दांत निकालने में एक्सपर्ट होता है उसे हम कहते हैं एक्सोडोंटिस्ट, ठीक है। स्पेशलिटी क्या हो जाएगी? एक्सोडोंटिक्स। समवन हु इज एन एक्सपर्ट इन एक्सोडोंटिक्स वो हो जाएगा आपका एक्सोडोंटिस्ट। और एडजेक्टिव की बात करें वो हो जाएगा आपका एक्सोडोंटिक। क्लियर है ये चीज, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से अब कर लोगे। अब कुछ वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि एक्सो और एंडो रूट वर्ड पे बेस्ड हैं। सबसे पहला वर्ड है यहाँ पे हमारे पास एंडोक्रीन। लास्ट सेशन में हमने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के बारे में जाना था। वो स्पेशलिस्ट होता है जो कि हमारी ग्लैंड्स की देखरेख करता है। अगर हमारी ग्लैंड्स में कोई भी इशू आता है तो हम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप देखोगे एंडोक्रीन वर्ड है हमारे पास। एंडो का मतलब क्या होता है? विद इन, इंटरनली। और यहां पे आप देखोगे क्रीन का मतलब क्या होता है? सिक्रीशन। तो एंडोक्रीन क्या हो जाएगा आपका? सिक्रीटिंग इंटरनली। इसी तरह यहां पे हमारे पास वर्ड है एक्सोक्रीन। तो एक्सोक्रीन क्या हो जाएगा? सिक्रीटिंग एक्सटर्नली। क्लियर। एंडोक्रीन ग्लांड्स होती है हमारी, एक्सोक्रीन ग्लांड्स होती है जो कि आप बायोलॉजी में पढ़ते हो, तो वो इसी तरह से वर्ड्स बने हैं। इसी तरह यहां पे हमारे पास वर्ड है एंडोगैमी। गैमी का मैंने आपको बताया था, गैमी का मतलब क्या होता है? मैरिज। और एंडो का मतलब क्या है? विद इन। तो अगर आपकी शादी विद इन कम्युनिटी होती है, जैसे कि अगर आप हिंदू हो तो आपकी हिंदुओं में ही शादी होती है, तो उसे हम कहेंगे एंडोगैमी। इसी तरह यहाँ पे होता है एक्सोगैमी। एक्सोगैमी क्या होता है? मैरिज आउटसाइड कम्युनिटी। मान लो आप हिंदू हो और आपकी शादी किसी सिख पर्सन से हो जाती है, या फिर हम बात करें किसी मुस्लिम से हो जाती है, तो हम उसे कहेंगे एक्सोगैमी, आपकी शादी आपकी कम्युनिटी से बाहर हुई है। इसी तरह यहाँ पे वर्ड आप देखोगे एंडोस्केलेटन। जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर एक स्केलेटन स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हमारी बॉडी की जो शेप है वो आपको दिखती है। तो एंडोस्केलेटन क्या वर्ड हो गया? एंडोस्केलेटन का मतलब ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर और सपोर्टिंग स्केलेटन इन एन एनिमल, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, एक स्केलेटन है, उसे हम कहेंगे एंडोस्केलेटन। लेकिन जैसे कि आप देखोगे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि शेल्स की अगर मैं बात करूं, या फिर मैं बात करता हूं कॉकरोचेस की, उनकी बॉडी के ऊपरी भारी हिस्से में एक हार्ड लेयर होती है, हार्ड कवरिंग होती है जो उन्हें एक पर्टिकुलर शेप देती है, उसे हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। इसी तरह यहाँ पे है वर्ड हमारे पास इंडोजीनस। अभी हमने जेनेसिस वर्ड पढ़ा है और एंडो वर्ड पढ़ा है। एंडो मतलब विद इन और जेनेसिस मतलब ओरिजिन। जिस चीज का ओरिजिन आपके अंदर होगा उसे हम कहेंगे एंडोजेनस, और जिसका ओरिजिन आपकी बॉडी के बाहर होगा उसे हम कहेंगे एक्सोजेनस। कई बार क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर, जैसे कि आप बुखार हो गया, अगर आपको बुखार हो गया उस वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, तो वो कौन सा फैक्टर होगा? वो आपका एंडोजीनस फैक्टर होगा। इसी तरह अगर हम बात करें एक्सोजीनस फैक्टर की, अगर कोई आपको कुछ उल्टी सीधी बात कह के चला गया,
उसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है तो वो एक्सोजिनस फैक्टर हो गया, किसी और पर्सन की वजह से आपको गुस्सा आ रहा है तो वो एक्सोजिनस फैक्टर हो गया। इसी तरह आपका एंडोस्मोसिस होता है और एक्सोस्मोसिस होता है, ये आपकी बायोलॉजी की टर्म्स है, ठीक है। एंडोस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। अगर आपकी बॉडी में, जैसे कि आप जानते हो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा सेल्स होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो जो मटेरियल्स होती है उनके मूवमेंट सेल के अंदर हो गया अगर, तो उसे हम कहेंगे एंडोस्मोसिस। अगर बॉडी सेल से बाहर आपकी मूवमेंट होती है केमिकल सब्सटेंसेस की, तो उसे हम कहते हैं एक्सोस्मोसिस। अब ओस्मोसिस क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लो, ओस्मोसिस एक प्रोसीजर होता है जिसमें जो मटेरियल होता है इन लोअर कंसंट्रेशन वो मूव करता है टू द मटेरियल ऑफ हायर कंसंट्रेशन। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपने मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे कम मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कम कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की, यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की, यहाँ पे है बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो मूवमेंट क्या होगी, फ्रॉम लोअर टू हायर आपकी मूवमेंट होगी, जहां पे लोअर मॉलिक्यूल्स हैं वहां से मूवमेंट होगी आपके हायर मॉलिक्यूल्स की तरफ। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओस्मोसिस। यहाँ पे हमने पढ़ा एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस आपके पास एक सेल है और यहाँ पे कुछ केमिकल कंपोनेंट है, अगर वो सेल के अंदर जाता है वो हो गया एंडोस्मोसिस, अगर यहाँ पे कोई केमिकल कंपोनेंट है या कोई भी पार्ट है सेल के अंदर वो सेल से बाहर निकलता है तो उसे हम कहेंगे एक्सोस्मोसिस। क्लियर है ये चीज, आगे बढ़ते हैं और वर्ड्स देखते हैं। जैसे कि एक वर्ड होता है एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट उस पैरासाइट को कहा जाता है जो आपकी बॉडी के अंदर जीता है। अगर आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में कोई पैरासाइट है जो आपकी बॉडी के अंदर जी रहा है उसे हम कहेंगे एंडोपैरासाइट। इसी तरह एंडोफाइट होता है। एंडोफाइट वो प्लांट्स होते हैं जो किसी और प्लांट के अंदर डेवलप हो जाते हैं, किसी और प्लांट के अंदर जीना स्टार्ट कर देते हैं, उसे हम कहते हैं एंडोफाइट। इसी तरह होता है आपका वर्ड एंडोमोर्फ। एंडोमोर्फ क्या होता है, अमिनरल विद इन अनदर मिनरल। मतलब अगर कोई मिनरल या फिर कोई क्रिस्टल किसी और क्रिस्टल के अंदर हो उसे हम कहेंगे एंडोमोर्फ। क्लियर है जी, जैसे कि आप देखोगे ये वाला मिनरल इस बाहर वाले मटेरियल के अंदर है तो हम इसे कहेंगे एंडोमोर्फ। क्लियर है ये चीज। इसी तरह एक एंडोस्कोप होता है। एंडोस्कोप एक डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे आपकी बॉडी के अंदर की इमेजेस लेने के लिए यूज किया जाता है। आपके अंदर एक कैविटी बनाई जाती है तो आपके माउथ से एंडोस्कोप को आपको बॉडी के अंदर डाला जाता है, या फिर आपकी बॉडी में जब ऑपरेशन होता है या फिर कोई और काम होता है तो आपकी बॉडी में एक होल किया जाता है, उसके थ्रू वो डिवाइस को आपको बॉडी के अंदर डाला जाता है और उससे आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की इमेजेस ली जाती हैं, ठीक है। इस तरह का आप देखोगे यहाँ पे डिवाइस होगा ये आपका, इसे हम कहेंगे एंडोस्कोप, जो कि आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के इंटरनल पार्ट्स की इमेजेस लेने के यूज किया जाता है, उसे हम कहते हैं एंडोस्कोप। अब हमारे पास यहाँ पे वर्ड है एक्सोटिक। एक्सोटिक का मतलब होता है अनयूजुअल या फिर हम कहें स्ट्रेंज, ठीक है। तो कुछ टाइम पहले प्रियंका चोपड़ा का गाना भी आया था जिसमें गाने में क्या था, आई एम फीलिंग सो एक्सोटिक, आई एम फीलिंग सो स्ट्रेंज अनयूजुअल, ठीक है। एक्सोटिक का मतलब होता है स्ट्रेंज अनयूजुअल, कुछ अलग महसूस करना, उसे हम कह सकते हैं एक्सोटिक। इसी तरह यहाँ पे वर्ड है एक्सोट्रिक और दूसरा वर्ड है एसोट्रिक। दोनों वर्ड्स देखने में सिमिलर लग रहे हैं लेकिन दोनों वर्ड्स का मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, अपोजिट वर्ड्स हैं दोनों के दोनों। यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे क्या है, एस। एक्सोट्रिक क्या होता है, एक्सोट्रिक्स उसे कहते हैं जो कि बहुत ज्यादा आसान हो समझने में, ईजी टू अंडरस्टैंड। कोई भी चीज जो बहुत आसान होगी जनरल पब्लिक के समझने के लिए उसे हम कहेंगे एक्सोट्रिक, ठीक है। इसे एक्सटर्नल भी हम कभी कभी कहते हैं। और दूसरा वर्ड है हमारे पास एसोट्रिक। एसोट्रिक क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसे समझना जनरल पब्लिक के लिए आसान नहीं है उसे हम कहेंगे एसोट्रिक, जिसे कोई भी पर्सन आसानी से नहीं समझ सकता। जैसे कि कुछ पर्टिकुलर लोग होते हैं उनकी कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है जो उस कम्युनिटी के लोग ही समझ पाएंगे, तो वो एसोट्रिक लैंग्वेज हो गई जिसे बहुत ही कम लोग समझ सकते हैं, बाकी लोगों को वो समझ नहीं आएगी, ठीक है। कोई भी चीज जो सिर्फ पर्टिकुलर कुछ लोग समझ सकते हैं बाकी लोग आसानी से नहीं समझ सकते उसे हम कहेंगे एसोट्रिक, और ऐसी चीज जो बहुत आसानी से समझी जा सकती है उसे हम कहेंगे एक्सोट्रिक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिशनर है हमारा ऑस्टियोपैथ, ठीक है। ऑस्टियोपैथ एक ऐसा प्रैक्टिशनर होता है जो ये समझता है कि अगर आपकी बॉडी में कोई पेन हो रहा है उसके पीछे का रीजन डिस्प्लेस्ड बोन्स है, जो डिस्प्लेस्ड बोन्स है वो आपकी नर्व्स में या फिर हम कहें ब्लड वेसल्स में एक अंड्यू प्रेशर क्रिएट करती है जिसकी वजह से आपको पेन होता है। ये प्रैक्टिशनर क्या करता है, ये मसाज की हेल्प से या फिर अदर प्रोसीजर्स का यूज करके आपको पेन से रिलीफ दिलाता है और आपके दर्द को खत्म करता है। अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो हम कहेंगे ऑस्टियोपैथी होती है, जो एक्सपर्ट होता है ऑस्टियोपैथी में उसे हम कहते हैं ऑस्टियोपैथ। ये रूट वर्ड से आया है ऑस्टियोन। ऑस्टियोन का मतलब क्या होता है, बोन। इसी तरह एक रूट वर्ड है पैथोज, जिसका मतलब होता है सफरिंग या फिर डिसीज। ऑस्टियोन और पैथोज को अगर आप मिला दोगे तो आपके पास वर्ड बन जाएगा ऑस्टियोपैथ, या फिर वर्ड बन जाएगा आपके पास ऑस्टियोपैथी। ऑस्टियोपैथी क्या हो जाएगी, एक स्टडी हो जाएगी, और जो एक्सपर्ट हो जाएगा ऑस्टियोपैथी में वो
ऑस्टियोपैथ होगा। क्लियर है ये चीज? यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, कुछ टाइम पहले हमने ऑर्थोपेडिस्ट समझा था। ऑर्थोपेडिस्ट क्या होता है? हड्डियों का डॉक्टर होता है, लेकिन जो ऑस्टियोपैथ होता है वो कोई डॉक्टर नहीं होता, वो एक प्रैक्टिशनर होता है जो मसाज की हेल्प से आपको पेन से रिलीफ दिलाता है, आपके जो डिस्प्लेस जॉइंट्स होंगे या फिर अगर आपको बॉडी के किसी पार्ट में दर्द हो रहा है, जैसे आपके कमर में दर्द हो रहा है तो उस कमर के दर्द से आपको रिलीफ दिलाएगा, उसे हम कहेंगे ऑस्टियोपैथ। क्लियर है ये चीज? यहाँ पे हमारे पास वर्ड है होम्योपैथी। अभी हमने पैथोज के बारे में जाना था। पैथोज क्या होता है? सफरिंग या फिर हम कहें डिसीज। और यहाँ पे है होम्यो, होम्यो का मतलब होता है सिमिलर। तो अगर एटिमोलॉजी की हम बात करें तो इसका मतलब हो गया सिमिलर सफरिंग या फिर सिमिलर डिसीज। होम्योपैथी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें होता क्या है, बेसिकली आपको डोसेज दी जाती हैं जो कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी में आपको लेनी होती हैं। उस डोसेज से क्या होता है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर बीमारी है तो आपको उसी बीमारी के जर्म्स की स्मॉल स्मॉल डोसेज दी जाती हैं, जिससे कि आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उस बीमारी से लड़ने की क्षमता क्रिएट कर सके और आपकी जो बॉडी का इंटरनल इम्यून सिस्टम है वही उस बीमारी से लड़ने में आपकी हेल्प करे और वो इम्यून हो जाए उस डिसीज से, उस पर्टिकुलर बीमारी से। होम्योपैथी इस पे वर्क करती है, आपके इम्यून सिस्टम को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाने की बात की जाती है कि अगर बीमारी आपकी बॉडी में आ रही है तो आपका इम्यून सिस्टम उस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहे। ठीक है, तो अगर हम बात करें होम्योपैथी की, इट इज द मेथड ऑफ ट्रीटिंग डिसीज इज बाय ड्रग्स डेट वुड प्रोड्यूस इन अ हेल्दी पर्सन सिम्टम्स सिमिलर टू दोज ऑफ द डिसीज। से अगर एक हेल्दी पर्सन को बुखार की होम्योपैथी की दवाई दे दी जाए तो हेल्दी पर्सन में क्या होगा, हेल्दी पर्सन में थोड़े बहुत बुखार के सिम्टम्स आ जाएंगे, क्योंकि जो वो दवाई लेने वाला है उसमें स्मॉल डोसेज में जो बुखार प्रोड्यूस करती हैं उसी तरह के ड्रग्स होते हैं। क्लियर है ये चीज? इसी तरह अगर हम एलोपैथी पे आते हैं, एलोपैथी बिल्कुल अपोजिट है होम्योपैथी का। एलोपैथी में जो आपको मेडिसिन दी जाती है वो आपकी जो डिसीज है उसे खत्म करने के लिए दी जाती है। मतलब अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपकी बॉडी में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपको एलोपैथी में क्या दिया जाएगा, आपको एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को आपकी बॉडी से खत्म कर दें, बैक्टीरिया को किल कर दें। एलोपैथिक मेडिसिन आपकी कुछ इस तरह की होती है। आप जनरली खाते हो, फिजिशियन आपको एलोपैथिक मेडिसिन ही देता है। ठीक है, होम्योपैथी एक अलग कॉन्सेप्ट है। होम्योपैथिक में आपकी दवाई का रूटीन डोसेज बिल्कुल अलग होती है एलोपैथी से। क्लियर है ये चीज? अब हम बढ़ते हैं अगले प्रैक्टिशनर पे। हमारा अगला प्रैक्टिशनर है चिरोप्रैक्टर। इसका मेन काम क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इंटेग्रिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम स्पेशली स्पाइन। करता क्या है, बेसिकली इट ही पुशेस द बोन्स इन द स्पाइन्स एंड द जॉइंट्स। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक पर्सन है जो लेटा हुआ है, जो दूसरा पर्सन है ये पर्सन है चिरोप्रैक्टर। ये जो पर्सन बीमार है या फिर जिसकी स्पाइन में कोई इशू आ रही है उसे स्पाइन की हड्डी को दबा के उसके इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये अपने हाथ को यूज करता है, हाथों से अलग अलग पॉइंट्स दबाता है स्पाइन के, जिससे कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सही हो सके। ठीक है, स्पाइन का कर्वेचर मेंटेन करने में, स्पाइन से रिलेटेड कोई इशू है उसे सॉल्व करने के लिए जनरली चिरोप्रैक्टर को याद किया जाता है। ये एक्सपर्ट किस में होता है, ये एक्सपर्ट होता है चिरोप्रैक्टिक में। चिरोप्रैक्टिक इसकी स्पेशलिटी है। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे चिरोप्रैक्टिक है, चिरोप्रैक्टिक्स नहीं है, जो कि हम आप तक देखते हुए आ रहे थे। जैसे कि हमने ऑर्थोडोंटिस्ट के बारे में जाना था, वो एक्सपर्ट था ऑर्थोडोंटिक्स में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एस नहीं है, ये चिरोप्रैक्टिक में एक्सपर्ट होता है। तो स्पेशलिटी क्या होती है इसकी, चिरोप्रैक्टिक। रूट वर्ड्स की बात करें, आप यहाँ पे देखोगे रूट वर्ड है चीर। चीर का मतलब क्या होता है, हैंड। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हमारे पास प्रैक्टिशनर है चिरोपोडिस्ट। चिरोपोडिस्ट का काम क्या होता है, आपके फुट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे ठीक करना, ये काम होता है चिरोपोडिस्ट का, जिसे हम पोडियाट्रिस्ट भी कहते हैं। चिरोपोडिस्ट एंड पोडियाट्रिस्ट आर सिमिलर। ठीक है, ये दोनों एक्सपर्ट किस में होते हैं, पोडियाट्री में एक्सपर्ट होते हैं। पोडियाट्री क्या होता है, द मेडिकल केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ द ह्यूमन फुट। इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, पोडियाट्री। रूट वर्ड्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देखोगे पहला रूट वर्ड है चेयर, जिसका मतलब होता है हैंड, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरा रूट वर्ड आप यहाँ पे देखोगे पोन्स, या फिर हम कहें पोडोस, जिसका मतलब क्या होता है, फुट। अभी हमने एक रूट वर्ड पढ़ा था पोन्स या फिर पोडोस, जिसका मतलब क्या था, फुट। अब देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड सेम रूट वर्ड से बने हैं। जैसे कि आपका पहला वर्ड है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में आपको दो रूट वर्ड मिलेंगे, पहला है ऑक्टो और दूसरा रूट वर्ड है पोडोस। अगर हम एटिमोलॉजी पे जाते हैं तो ऑक्टो का मतलब क्या हो जाएगा, एट, और पोडोस का मतलब क्या हो जाएगा आपका, फुट। जिसके आठ पैर हो जाएंगे उसे हम कहेंगे ऑक्टोपस। आपने देखा होगा ऑक्टोपस इस तरह का पानी में पाया जाने वाला जंतु होता है, इसे हम कहते हैं ऑक्टोपस। इसी तरह दूसरा वर्ड है आपके पास पोडियम। पोडियम में भी आप देखोगे दो वर्ड मिलेंगे आपको, पहला है आपका पोडोस और दूसरा रूट वर्ड क्या हो जाएगा आपका, ईएम। ईएम का मतलब क्या होता है, ईएम का मतलब होता है प्लेस वेयर।
जैसे कि आपने वर्ड सुने होंगे स्टेडियम, ऑडिटोरियम, ठीक है, तो वो सब में ईएम सफिक्स वर्ड का यूज किया जाता है। ईएम सफिक्स वर्ड उनके आगे ऐड किया जाता है जिसका मतलब क्या होता है, प्लेस वेयर, ठीक है। तो पोडियम का एटिमोलॉजी पे अगर हम जाते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा प्लेस वेयर फुट इज प्लेस्ड, जहाँ पे आप खड़े होते हो उसे हम पोडियम कह सकते हैं। तो अगर हम जनरल इंग्लिश की बात करें तो पोडियम एक इस तरह की चीज़ होती है, जैसे आपने देखा होगा जब भी स्टेज पर कोई अनाउंसमेंट करनी होती है तो वो पोडियम के सामने आके अनाउंसमेंट की जाती है, तो हम पोडियम को एक स्पीकर प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। इस तरह की डिवाइस को हम क्या कहते हैं, पोडियम कहते हैं, ठीक है। इसी तरह तीसरा वर्ड है हमारे पास ट्राईपोड। ट्राईपोड में दो रूट वर्ड मिलेंगे आपको, ट्राई प्लस पोडोस। ट्राई का मतलब आप सबको पता है, ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन, और पोडोस का मतलब फुट, तो जिसके तीन पैर हो गए उसे हम कहेंगे ट्राईपोड, ठीक है। इस तरह का स्टैंड होता है ट्राईपोड, इस तरह दिखता है डिवाइस। जैसे कि अगर हम देखेंगे कैमरा कहाँ पे लगाते हो, आप ट्राईपोड के ऊपर लगाते हो। केमिस्ट्री लैब्स में भी आपने ट्राईपोड्स देखे होंगे जिनका थोड़ा अलग वर्क होता है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रैक्टिशनर है ग्राइफोलॉजिस्ट। ग्राइफोलॉजिस्ट में अगर हम रूट वर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको रूट वर्ड मिलेगा ग्रैफीन, जिसका मतलब क्या होता है, टू राइट। ये हम लास्ट सेशन में ही पढ़ चुके हैं, ग्रैफीन का मतलब क्या होता है, टू राइट। और लॉजी यहाँ पे मिलेगा, लॉजी का मतलब स्टडी या फिर साइंस। तो ग्राइफोलॉजिस्ट राइटिंग देख के ये बता देता है कि जिस पर्सन की हैंड राइटिंग है उसका करेक्टर कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। और इस एक्सपर्ट को कभी कभी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए बुलाया जाता है कि सिग्नेचर जो है वो ऑथेंटिक है या नहीं, जिस पर्सन के सिग्नेचर है ये उसी ने किए हैं या किसी और पर्सन ने तो नहीं कर दिए। इसी तरह रिटर्न डॉक्यूमेंट है कोई, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए इस एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, इस प्रैक्टिशनर को बुलाया जाता है। स्पेशलिटी की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगी ग्राफोलॉजी, और अगर हम एडजेक्टिव वर्ड की बात करें वो हो जाएगा ग्राफोलॉजिकल। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। रिलेटेड वर्ड्स की अगर हम बात करें, सबसे पहला वर्ड है हमारा चीरोग्राफर। चीरो अभी हमने देखा था, चीर वर्ड से बना, जिसका मतलब क्या होता है, हैंड। और यहाँ पे ग्रेफिन का मतलब क्या हो गया, ग्रेफर है, यहाँ पे रूट वर्ड हो जाएगा ग्रेफिन। ग्रेफिन का मतलब टू राइट, ठीक है, जो हाथ से लिखता है इटिमोलॉजी से उसका मतलब हो गया चीरोग्राफर। लेकिन बेसिकली क्या होता है, चीरोग्राफर उस पर्सन को कहते हैं जो एक्सपर्ट होता है पेनमैनशिप में, ठीक है। पहले क्या होता था, बेसिकली जो लोग बुलाए जाते थे, अगर कोई भी नया पॉडकास्ट छपना है या फिर कोई भी आमंत्रण पत्र लिखना है तो चीरोग्राफर को बुलाया जाता था, जो कि अपनी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखता था, पेनमैनशिप में एक्सपर्ट होता था। लेकिन अब क्या हो गया, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे एमएस वर्ड आ गए हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक टूल्स आ गए हैं जिनसे आपको चीरोग्राफर की अब ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद ही ये सारी चीज़ें कर लेते हो। एमएस वर्ड में आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिलते हैं, उससे आप अलग अलग तरह के फॉन्ट्स से अच्छे तरीके से अपने कंटेंट को लिख सकते हो। जो पर्सन एक्सपर्ट होता है पेनमैनशिप में उसे हम कहेंगे चीरोग्राफर, लेकिन अब इस तरह के पर्सन का ज़्यादा यूज नहीं होता। अब यहाँ पे एक और वर्ड देखोगे आप, यहाँ पे है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी में आपको दो वर्ड मिलेंगे, सबसे पहला वर्ड है कैलोस। कैलोस का मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल, ठीक है। तो कैलीग्राफी क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, जो कि मेरी बिल्कुल नहीं है, मेरी बहुत गंदी राइटिंग है। कैलीग्राफी क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। कैलीग्राफर कौन हो जाएगा, जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, जो बहुत अच्छी राइटिंग लिखता है उसे हम कहेंगे कैलीग्राफर। इसी तरह अपोजिट वर्ड हो जाएगा कैकोग्राफी। कैकोग्राफी में रूट वर्ड क्या हो जाएगा आपका, कैकोस। कैकोस का मतलब होता है बद्धा, बुरा। तो कैकोग्राफी क्या हो जाएगी, बैड हैंडराइटिंग हो जाएगी आपकी। और कैकोग्राफर कौन हो जाएगा, जिसकी राइटिंग बहुत बुरी है, जैसे कि मैं। इसी तरह हमारा लास्ट वर्ड है कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था, कार्डियो का मतलब क्या था, यहाँ पे रूट वर्ड मिला था आपको कार्डिया, जिसका मतलब क्या होता है, हार्ट। और ग्राफ आपको मिल रहा है, तो जो हार्ट को लिखे, जो हार्ट की हार्ट बीट्स को लिखे उसे हम कहेंगे कार्डियोग्राफ। इस तरह की एक मशीन होती है कार्डियोग्राफ, जिसमें आपके हार्ट बीट्स रिकॉर्ड करी जाती हैं, और जो बीट्स की रीडिंग होती है उसे हम कहते हैं कार्डियोग्राम। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ये पर्ची निकल के आ रही है, यह है कार्डियोग्राम, और इस मशीन को क्या कहते हैं, हम कार्डियोग्राफ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड्स के ऊपर, कौन कौन से और रिलेटेड वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है आपके पास यहाँ पे फोटोग्राफ। फोटोग्राफ दो रूट वर्ड से मिलकर बना है, पहला तो है आपका फोटोज और दूसरा वर्ड है आपका ग्राफीन। फोटोज मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लाइट, ठीक है। बहुत जगह आपने इस वर्ड को देखा होगा फोटोज का, लेकिन जनरली इसका मतलब क्या होता है, लाइट। और ग्राफीन का मतलब लिखना। तो फोटोग्राफ क्या हो गया, रिटन बाय लाइट, जो हम नॉर्मली फोटोग्राफ खींचते हैं उसका अगर एटिमोलॉजी पे जाते हैं तो उसका मतलब होता है रिटन बाय लाइट। इसी तरह यहाँ पे आपको वर्ड मिलेगा फोनोग्राफ। इसमें रूट वर्ड एक तो ग्राफीन हो ही गया, एक दूसरा रूट वर्ड हो गया आपका फोनोस, जिसका मतलब क्या होता है,
साउंड। फोनोग्राफ कुछ इस तरह का डिवाइस होता है आपका, जैसे कि जो पहले म्यूजिक सिस्टम होते थे वो फोनोग्राफ होते थे, आपने डिस्क लगा दी, उसके बाद यहाँ पे एक रीडर होता था, रीड करने के बाद उससे साउंड प्रोड्यूस होती थी, ठीक है। तो फोनोग्राफ क्या हो गया, रिटर्न बाय साउंड, अगर हम टाइमोलॉजी की बात करें, और इस तरह का डिवाइस होता है आपका फोनोग्राफ। इसी तरह बायोग्राफी हो गया, इसमें रूटवर्ड आपको मिलेगा बायोस। बायोस का मतलब क्या होता है, लाइफ, किसी की लाइफ की कहानी को हम क्या कहते हैं, बायोग्राफी कहते हैं। अगर वो कहानी वो खुद लिखता है, अपनी लाइफ के बारे में खुद बताता है, उसे हम कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। इसी तरह यहाँ पे आपको रूट वर्ड मिलेगा टेलीग्राफ। टेलीग्राफ में रूट वर्ड क्या हो जाएगा, रूट वर्ड हो जाएगा आपका टैली। टैली का मतलब होता है डिस्टेंस। तो टेलीग्राफ क्या हो जाएगा, टेलीग्राफ हो जाएगा आपका डिस्टेंस राइटिंग। इसी तरह यहाँ पे आपका वर्ड आ गया टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन क्या हो गया, दूर का कम्युनिकेशन, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज होती है, हमारे मोबाइल से हम क्या करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन करते हैं। जो बंदा बहुत दूर बैठा है अपने फोन से, उससे कम्युनिकेट करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं। इसी तरह आपकी एक एप्लीकेशन है टेलीग्राम, इसका मतलब आप खुद ही समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ पे वर्ड है जेरोंटोलॉजिस्ट। लास्ट सेशन में हमने जेरियाट्रिशियन के बारे में बात की थी। जेरियाट्रिशियन वो स्पेशलिस्ट था जो कि मेडिकल नीड्स देखता था एल्डरली की। और यहाँ पे है हमारे पास वर्ड जेरोंटोलॉजिस्ट। जेरोंटोलॉजिस्ट कौन सा प्रैक्टिशनर होता है, दिस स्पेशलिस्ट डील्स विद द इकोनॉमिक, सोशल, सेक्सुअल, रिटायरमेंट एंड अदर प्रॉब्लम्स ऑफ द एल्डरली। अगर बुजुर्ग लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, जैसे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है, सोशल प्रॉब्लम हो सकती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर रिटायरमेंट से रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व करेगा, उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा जेरोंटोलॉजिस्ट। स्पेशलिटी की बात करें तो वो हो जाएगी जेरोंटोलॉजी। रूट वर्ड्स की अगर हम बात करें तो पहला रूट वर्ड है इसमें जेरोन। जेरोन का मतलब क्या होता है, जेरोन का मतलब होता है ओल्ड। जेरास, जेरास का मतलब होता है ओल्ड एज। और इसी तरह ये हमने ग्रीक लैंग्वेज की बात करी, ग्रीक लैंग्वेज में ये रूट वर्ड्स का मीनिंग होते हैं, लेकिन अगर हम लैटिन लैंग्वेज में आते हैं तो ओल्ड के लिए लैटिन वर्ड जो है हमारे पास वो है सेनेक्स। अब हम देखेंगे सेनेक्स से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में। सबसे पहला वर्ड बनेगा हमारा सेनाइल। सेनाइल का मतलब होता है शोइंग साइंस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डेटीरियोरेशन। डेटीरियोरेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग प्रोग्रेसिवली वर्स, ठीक है, समय के साथ बद से बदतर हो जाना, उसे हम कहते हैं डेटीरियोरेशन, ठीक है। जिन लोगों ने अकाउंट्स पढ़ा हो उन्हें डेटोरेशन का मतलब बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। बैलेंस शीट में डेटोरेशन होता है, जो भी आपके एसेट्स होते हैं विद टाइम डेटोरेट करते रहते हैं, उनकी वैल्यू कम होती रहती है। तो सेनाइल क्या हो गया, स्वइंग साइंस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डेटोरेशन, ठीक है। जो फिजिकल और मेंटली डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाए उसे हम कहेंगे सेनाइल। अगर नाउन वर्ड की बात करें तो वो उसका नाउन वर्ड हो जाएगा आपका सेनिलिटी। सेनिसेंट क्या होता है, ग्रोइंग ओल्ड। इसमें दो रूट वर्ड आपको मिलेंगे, पहला तो है आपका सेनेक्स और दूसरा रूट वर्ड आपको मिलेगा एसेंट। एसेंट का मतलब क्या होता है, एसेंट का मतलब होता है ग्रोइंग इनटू। तो सेनिसेंट हो गया आपका ग्रोइंग ओल्ड। सेनिसेंस एक वर्ड मिलेगा आपको जो कि एक नाउन वर्ड है। सेनिसेंस फिनोमिना को कहेंगे, फिनोमिना ऑफ ग्रोइंग ओल्ड क्या हो जाएगा, सेनिसेंस हो जाएगा। यहाँ पे आपने वर्ड देखा होगा एडोलिसेंट। एडोलिसेंट किसके लिए यूज किया जाता है, जो एडल्ट बनने वाला होता है, जो एडल्ट बन रहा होता है, ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट, उसके लिए यूज किया जाएगा एडोलिसेंट। इसी तरह एक वर्ड होता है कन्वालिसेंट। कन्वालिसेंट का मतलब क्या होता है, ग्रोइंग हेल्दी अगेन, ठीक है। कोई अगर बीमार है वो फिर से हेल्दी हो रहा है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा कन्वालिसेंट। इसी तरह वर्ड है ऑब्सोलिसेंट। ऑब्सोलिसेंट का मतलब क्या होता है, ग्रोइंग और बिकमिंग ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है, व्यर्थ, जिसका अब ज्यादा यूज नहीं रहा है। कुछ चीजें होती हैं जो आपके पास्ट में बहुत ज्यादा यूज की होती है, लेकिन विद टाइम ऑब्सोलीट होती रहती है, उनका यूसेज खत्म होता रहता है, उसे हम कहते हैं ऑब्सोलीट वर्थ। इसी तरह यहाँ पे आपने वर्ड देखा होगा सीनियर। सीनियर भी आपका सेनेक्स रूट वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, ओल्डर। और इसी तरह एक वर्ड है सेनेट। बुजुर्ग लोगों की सभा को सेनेट कहा गया है। बुजुर्ग मतलब वो लोग जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत ज्यादा वाइज है, उन लोगों की अगर कोई सभा है उसे कहा गया है सेनेट। जैसे कि हमारे इंडिया में लोकसभा एंड राज्यसभा होती है, इसी तरह यूएसए में अगर आप जाते हो वहां पे आपको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा और एक सेनेट मिलेगा आपको, ठीक है। सेनेट का मतलब उस काउंसिल को कहा गया है जहां पे बहुत वाइज लोग बैठते हैं, उसे हम कहते हैं सेनेट, ठीक है। जब ये वर्ड बनाया गया था तो उस टाइम पे ये माना जाता था कि जो कि ज्यादा ओल्ड होते हैं वो बहुत ज्यादा वाइजर होते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो उसी से ओल्ड से आपका वर्ड बना है सेनेट, जिसका मतलब है काउंसिल ऑफ ओल्डर एंड प्रिज्यूमेबली वाइजर सिटीजन्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेशन में हमने एक वर्ड पढ़ा था रूट वर्ड मैट्रोन। मैट्रोन का मतलब क्या था, मेजर। अब हम इसी रूट वर्ड से देखने वाले हैं कौन कौन से वर्ड बनते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में आपको दो रूट वर्ड मिलेंगे। सबसे पहला रूट वर्ड होगा आपका थर्म,
जिसका मतलब क्या होता है, हीट। और मेट्रॉन का मतलब आप सभी को पता है, मेजर, जो हीट को मेजर करे उसे हम कहेंगे थर्मोमीटर। इस तरह का डिवाइस होता है, जब भी आपको बुखार होता है डॉक्टर आपके बॉडी में थर्मोमीटर लगाता है, आपके मुंह में थर्मोमीटर देता है और आपके बॉडी का टेम्परेचर पता करता है और उसी से देख के बताता है कि आपको कितना बुखार है, आपको 101 डिग्री बुखार है, 102 डिग्री बुखार है। तो इस डिवाइस को हम कहते हैं, इस डिवाइस को हम कहते हैं थर्मोमीटर। इसमें दो रूट वर्ड है, पहला है थर्म और दूसरा रूट वर्ड है आपका मेट्रॉन। इन दोनों को मिला के बन गया थर्मोमीटर, जिसका मतलब होता है अ डिवाइस विच मेजर्स टेम्परेचर, वो हो गया आपका थर्मोमीटर। इसी तरह दूसरा वर्ड है आपके पास बैरोमीटर। बैरोमीटर में अगर हम रूट वर्ड देखेंगे तो बैरोमीटर में रूट वर्ड मिलेगा आपको बैरो, जिसका मतलब क्या होता है, वेट। जो वेट को मेजर करे वो हो गया बैरोमीटर। ये एटमोलॉजी के हिसाब से है, लेकिन एक्चुअली बैरोमीटर होता क्या है, जो आपके एटमोस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करे उसे हम कहते हैं बैरोमीटर। प्रेशर क्या होता है, आपका फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये आप पढ़ते हो किसमें, फिजिक्स में पढ़ते हो। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, आपका प्रेशर, और फोर्स क्या होता है, आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन आपका फोर्स होता है, और मास की यूनिट डिजिट क्या होती है, केजी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेट के। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के, तो इसी से हमारा वर्ड बन गया बैरोमीटर। बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस हो गया जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करे। इसी तरह हमारे पास तीसरा वर्ड है स्फिग्मोमीटर। स्फिग्मोमीटर भी दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। पहला रूट वर्ड आपको मिलेगा यहाँ पे स्फिग्मोस, जिसका मतलब होता है पल्स, और दूसरा वर्ड है मेट्रॉन, जिसका मतलब होता है टू मेजर, या फिर हम कहें मेजरमेंट। तो स्फिग्मोमीटर क्या हो गया, जो आपकी पल्स को मेजर कर रहे हैं उसे हम कहेंगे स्फिग्मोमीटर। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में बीपी की मशीन हो सकती है, अगर आपके घर में कोई बीपी का पेशेंट, या फिर अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका बीपी चेक करता है, तो इस तरह की कुछ मशीन होती है, और भी तरह की मशीन होती है। इस तरह की मशीन को हम कहते हैं स्फिग्मोमीटर, जो आपका ब्लड प्रेशर चेक करती है। लास्ट वर्ड है आपका मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम क्या होता है, डेसिमल सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स, उसे हम कहते हैं मैट्रिक सिस्टम। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हो, इस तरह का मैट्रिक सिस्टम आपका होता है। आज के सेशन में हमने ये सारे रूट वर्ड डिस्कस किए थे। सबसे पहला वर्ड हमने क्या डिस्कस किया था, साइक। साइक का मतलब क्या होता है, माइंड, या फिर हम कहें सोल, या फिर हम कहें स्पिरिट, उसे हम कहते हैं साइक। साइक से हमने कौन कौन से वर्ड डिस्कस किए थे, साइको एनालिस्ट हमने डिस्कस किया था, साइको एनालॉजिस्ट हमने डिस्कस किया था, और भी बहुत सारे वर्ड हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि साइकोसोमेटिक, या फिर हम बात करें साइकोजेनेसिस, ये सारे वर्ड्स हमने डिस्कस किए थे। दूसरा रूट वर्ड हमने कौन सा डिस्कस किया था, आइट्रिया। आइट्रिया का मतलब क्या होता है, मेडिकल हीलिंग। लास्ट सेशन में भी हमने ये डिस्कस किया था, पोडियाट्रिस्ट में हमने ये वर्ड डिस्कस किया था, साथ ही साथ हमने जेरियाट्रिस्ट में ये वर्ड डिस्कस किया था, साइकेट्रिस्ट में हमने ये वर्ड डिस्कस किया था। इसी तरह लास्ट में अगर ईआर लग जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वन हूँ, ठीक है। जैसे हमने चिरोमैंसर वर्ड पढ़ा था, हमने कैलीग्राफर वर्ड पढ़ा था, इसी तरह एक है ये हमारा होता है एडजेक्टिव सफिक्स। एडजेक्टिव सफिक्स मतलब जिस भी वर्ड के एंड में अगर आप एक लगा दोगे तो वो वर्ड एडजेक्टिव बन जाता है आपका। इसी तरह हमने एक वर्ड पढ़ा था सोमा। सोमा का मतलब क्या होता है, बॉडी। हमने वर्ड पढ़ा था साइकोसोमेटिक, ठीक है, जिसमें हम माइंड का इन्फ्लुएंस देखते थे अपनी बॉडी के ऊपर। इसी तरह हमने वर्ड पढ़ा था जेनेसिस, जिसका मतलब होता है ओरिजिन, साइकोजेनेसिस हमने वर्ड पढ़ा था। इसी तरह हमने वर्ड पढ़ा था पैथो, जिसका मतलब होता है सफरिंग, या फिर हम कह सकते हैं डिसीज, ठीक है, उसके लिए पैथोज रूट वर्ड का यूज किया जाता है। हमने वर्ड पढ़ा था ऑस्टियोपैथ, हमने वर्ड पढ़ा था होम्योपैथी, एलोपैथी। इसी तरह पैरी रूट वर्ड हमने पढ़ा था, जिसका मतलब क्या होता है, सराउंडिंग। दो वर्ड हमने सीखे थे पैरी रूट वर्ड से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहला वर्ड हमारा क्या था, सबसे पहला वर्ड हमारा था पेरियोडोंटिस्ट, और दूसरा वर्ड था हमारा पेरीमीटर। फिर हमने वर्ड पढ़ा था एंडो। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, या फिर इन, या फिर इनर। इसी तरह एक्स वर्ड पढ़ा था हमने, जिसका मतलब क्या होता है, आउट। बहुत सारे वर्ड्स हमने देखे थे एंडो और एक्स से मिला के। ऑस्टियन हमने पढ़ा था, जिसका मतलब क्या होता है, ऑस्टियन का मतलब होता है बोन। पोडोस का मतलब क्या होता है, पोडोस का मतलब होता है फुट। इसी तरह ऑक्टो रूट वर्ड हमने पढ़ा था, जिसका मतलब होता है एट। ऑक्टोपस में हमने ये जाना था। ईएम, ईएम का मतलब क्या होता है, प्लेस वेयर। हमने एक वर्ड कौन सा पढ़ा था, स्टेडियम पढ़ा था हमने, पोडियम पढ़ा था। इनमें लास्ट में सफिक्स वर्ड ईएम यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है प्लेस वेयर। इसी तरह ट्राई वर्ड हमने पढ़ा था ट्राईपोड में, जिसका मतलब होता है तीन। चीर रूट वर्ड हमने पढ़ा था, बहुत सारे वर्ड देखे थे, चिरोमैंसर, चिरोमैंटिक, और साथ ही साथ हमने चिरोपोडिस्ट वर्ड पढ़ा था। तो चिरो का मतलब क्या होता है, हैंड। मैंसी का मतलब क्या होता है, फोरटेल। चिरोमैंसल में हमने पढ़ा था ये। ग्राफीन का मतलब क्या होता है, टू राइट। ग्राफोलॉजिस्ट हमने पढ़ा था, कैलीग्राफ, कार्डियोग्राफ, ये सारे वर्ड्स हमने पढ़े थे। इसी तरह कैलोज है, कैलोज का मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल। कैलीग्राफी वर्ड हमने पढ़ा था, कैलीग्राफर वर्ड हमने पढ़ा था। यहाँ पे वर्ड है हमारे पास कैकोस। कैकोस का मतलब होता है बैड, भद्दा,
हम कह सकते हैं। तो कैकोग्राफी, कैकोग्राफर वर्ड हमने पढ़ा था। फोटोज का मतलब क्या होता है? लाइट। फोटोग्राफ वर्ड हमने पढ़ा था, ठीक है, जहां भी फोटोज यूज हो जाएगा मतलब लाइट की बात की जा रही है। टैली का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। बायोस से हमने वर्ड पढ़ा था बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। बायोस का मतलब क्या हो गया? लाइफ हो गया। जेरास का मतलब क्या हो गया? जेरास का मतलब होता है आपका ओल्ड एज। उसके बाद है आपके पास जैरोन। जैरोन का मतलब क्या होता है? ओल्ड, ये ग्रीक वर्ड है। इसी तरह सैनेक्स वर्ड है आपके पास। सैनेक्स का मतलब क्या होता है? सैनेक्स का मतलब होता है ओल्ड, लेटिन वर्ड है ये। और इसी तरह लास्ट में हमने इसेंट वर्ड पढ़ा था जिसका मतलब क्या होता है? ग्रोइंग इनटू। ये सारे रूट वर्ड्स हमने पढ़े थे और इनसे बहुत सारे वर्ड्स देखे थे जो कि बनते हैं। उन सभी वर्ड्स को बहुत ही डीप में हमने समझा था और मुझे लगता है कि वो सारे वर्ड्स आपको काफी हद तक याद भी हो गए होंगे। तो अगर हम ध्यान दें तो आज के सेशन में हमने लगभग 27 रूट वर्ड सीखे हैं। लास्ट सेशन में हमने, जो हमारा फर्स्ट सेशन था, उसमें हमने 15 रूट वर्ड सीखे थे और जो हमारा सेकंड पार्ट था वर्ड पावर मेडिजी बुक का, उसमें हमने 27 रूट वर्ड और सीखे थे। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ रूट वर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे हमारे रूट वर्ड बढ़ते जा रहे हैं, जो हम वर्ड्स बनते हैं इन रूट वर्ड से, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा, जो वर्ड्स मैंने पढ़ा दिए वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, बाकी आप क्या करो, जो जो रूट वर्ड आप पढ़ते जा रहे हो उन रूट वर्ड्स को डिक्शनरी में सर्च करो, गूगल पे सर्च करो कि उन रूट वर्ड से और कौन कौन से वर्ड बनते हैं और उन वर्ड्स का मतलब भी आप साथ के साथ जान लो। अपने कॉपी में जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हो वहाँ पे उनका मतलब भी साथ के साथ लिखते रहो। इस तरह से आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीख पाओगे। दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आपको मैं सभी सेशंस की अपनी पीडीएफ देता हूँ। जो मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं उनकी पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड हो चुकी है। साथ ही साथ जो भी हम वर्ड पावर मेडिजी बुक में डिस्कस कर रहे हैं उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है, तो वो ग्रुप आप ज्वाइन कर लो। तो दोस्तों फिलहाल मैं आपसे यही बदलता हूँ। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, टेक केयर।